सादर प्रणाम, मैं हूं डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी और हमारी खास पेशकश चर्चा में आपका स्वागत है। आज का विषय है किसानी पर कलह, संदर्भ है केंद्र सरकार के तीन कृषि बिल और उस पर हो रही सियासत। केंद्र की मोदी सरकार ने अपने बहुमत के बल पर 5.5 घंटे चली चर्चा के बाद एग्रीकल्चर ऑडिट बिल 2020 पर लोकसभा मंजूरी ले ली है, लेकिन इस नए बिलों ने पूरे देश में एक बहस छेड़ दी है। केंद्र अपनी कोशिशों को खेती किसानी और किसान के लिए क्रांतिकारी कदम बता रहा है, तो अकाली दल सहित तमाम विपक्षी दल इस कानून के खिलाफ सड़क पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। विधेयक को किसान विरोधी बताते हुए केंद्रीय मंत्री और अकाली दल बादल की सांसद हरसिमरत कौर ने गुरुवार मोदी को इस्तीफा भी दे दिया। इसलिए वर तरीके से समझने की हम कोशिश करते हैं कि इन तीन बिलों में क्या है और विरोध किस लिए हो रहा है। पहला विधेयक था कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक। इस विधेयक के तहत केंद्र सरकार की मंशा एक ऐसा तंत्र विकसित करने की थी जिसमें किसान मनचाहे स्थान पर फसल बेच सके। इसके जरिए किसान अपनी फसल का सौदा सिर्फ अपने ही नहीं बल्कि दूसरे राज्य के लाइसेंसी व्यापारियों के साथ भी कर सकते हैं। इस पर विरोधियों की चिंता यह थी कि किसानों को MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलेगा, मंडी खत्म होने से मार्केट रेगुलेट नहीं हो पाया, राज्यों को भी शुल्क नहीं मिलेगा। इस व्यवस्था के बनने से किसानों और दोनों को ही नुकसान है। केंद्र सरकार का जो विधेयक है वो है कृषक कीमत आश्वासन और सेवा पर करार विधेयक। इस विधेयक के तहत सरकार का दावा है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को नेशनल फ्रेमवर्क मिलेगा, खेती से जुड़ी सारी रिस्कों की नहीं बल्कि उनसे करार करों के सर होगी, किसानों की मार्केटिंग लागत नहीं लगाएगी और दलाल खत्म होंगे। वहीं इस व्यवस्था के विरोधियों का मानना है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किसान बंधक मजदूर की तरह होंगे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कंपनी के साथ विवाद होने पर किसान कोर्ट नहीं जा सकेंगे। किसान और कंपनी के बीच विवाद होने की सूरत में SDM फैसला कर या फिर DM की क्या फैसला हो अभी कोई कर सकेगा, लेकिन इस संदर्भ में अदालत में नहीं जा सकेगा। इसके बाद आता है आवश्यकता वस्तु अधिनियम संशोधन विधेयक। यह विधेयक 1955 में बनाए गए आवश्यक वस्तु विधेयक के प्रावधानों में बदलाव की व्याख्या करता है। सरकार ने इसके प्रावधानों में अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेलों, ब्याज और आलू को आवश्यक वस्तु की सूची से हटा दिया है। इस अधिनियम के कानून बनने पर आपत्ति यह कहकर बताई जा रही है कि इससे कीमतों में स्थिरता आएगी, फूड सिक्योरिटी पूरे खत्म हो जाएगी, राज्यों यह पता ही नहीं होगा कि राज्यों में किस वक्त कितना स्टॉक है। इसके साथ ही आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी बढ़ सकती है। पूरे देश में तीनों बिलों के खिलाफ बढ़ते आक्रोश के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सामने आए। प्रधानमंत्री ने देश को भरोसा दिलाने की कोशिश की, किसानों को अपनी उपज देश में कहीं पर भी किसी को भी बेचने की आजादी देना ऐतिहासिक कदम है। 21वीं सदी में भारत का किसान बंधनों में बंध कर नहीं बल्कि खुलकर खेती करेगा, जहां मन आएगा अपनी उपज बेचेगा, किसी बिचौलिए का मोहताज नहीं रहेगा और अपनी उपज अपनी आय भी बढ़ाएगा। लेकिन जितनी आसानी से प्रधानमंत्री कह रहे हैं, देश के तमाम किसान और राजनीतिक दल इस बात के लिए तैयार नहीं है। मामला कितना गंभीर है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सका है कि सालों से भाजपा की सहयोगी रही अकाली दल की सांसद और मंत्री हरसिमरत कौर इस्तीफा देने के लिए मजबूर हैं। यह मजबूरी इसलिए कही जा रही है क्योंकि कुछ समय पहले तक अकाली दल इसकी हिमायत कर रहा था, पर जैसे पंजाब में पूरे किसान सड़क पर आ गए हैं, ऐसे अपनी जमीन बचाए रखने के लिए जरूरी था कि या तो वह अपने मंत्री पद को छोड़ दें या फिर भाजपा के साथ रहकर अपनी राजनीति ही छोड़ दें। इन परिस्थितियों में क्या कुछ वास्तविकता है और कुछ आशंकाएं, इस पर बात करेंगे। 5 जिम्मेदार लोग समय समय पर इस चर्चा में हमारे साथ हिस्सेदारी करने के लिए जुड़ेंगे, लेकिन उनका परिचय उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र महान किसान नेता टूडूराम का दिया हुआ है। टूडूराम हरियाणा पंजाब के अंतर्गत बहुत बड़े विचारक के तौर पर स्वीकारे गए, किसानों के हित में, मजदूरों के हित में उनकी कई बातें आज भी नजीर के तौर पर देखी जाती हैं। उन्होंने ये लिखा था कि मैं राजा नवाबों और हिंदुस्तान की सभी प्रकार की सरकारों को कहता हूं कि वो किसान को इस कदर तंग ना करें कि वो उठ खड़ा हो। दूसरे लोग जब सरकार से नाराज होते हैं तो कानून तोड़ते हैं, पर किसान जब नाराज होगा तो कानून ही नहीं तोड़ेगा, सरकार की पीठ भी तोड़ेगा। सर, छोटू राम का ये कथन आने वाले समय के संदर्भ में चुनौती कितनी बड़ी हो सकती है सरकार के लिए, इसे अभिव्यक्त करता है। किसानों की चिंताओं को समय रहते अगर नहीं समझा गया, किसानों की चिंताओं को अगर दूर नहीं किया गया,
तो जिसको हम क्रांति के तौर पर परिभाषित करने की कोशिश कर रहे हैं सरकार के माध्यम से, वह कहीं उल्टा भी पड़ सकता है। समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसको लेकर चिंताएं क्या है और इन चिंताओं को दूर कैसे किया सकता है। पांच खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए मौजूद हैं। हमारे साथ में हरियाणा की दिग्गज कांग्रेस नेता किरण चौधरी जी, जो कई वर्षों तक मंत्री भी रही हैं, दिल्ली विधानसभा के उपाध्यक्ष भी रही हैं, बहुत बड़ी राजनीतिक विरासत चौधरी बंसीलाल की विरासत के उत्तराधिकारी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। छत्तीसगढ़ भाजपा के दिग्गज नेता ब्रजमोहन अग्रवाल इस चर्चा में खासतौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री और किसान नेता कमल पटेल भी इस चर्चा में मौजूद हैं। युवा किसान नेता राहुल राज हमारे साथ जुड़ेंगे और कुछ ही समय बाद हमारे साथ मध्य प्रदेश के दिग्गज कांग्रेस किसान नेता शिव कुमार शर्मा अर्थात कक्का भी साथ में होंगे। चर्चा की शुरुआत हम किरण चौधरी जी से करते हैं और किरण जी से समझना चाहते हैं कि कांग्रेस को इस विधेयक के संदर्भ में इतनी परेशानी क्या है। नरेंद्र मोदी जी सीधे तौर पर कि दशकों तक इस देश पर आने वाली पार्टी किसानों को बहका रही है, भ्रमित कर रही है। कांग्रेस के ही पूर्व प्रवक्ता ने यह खुलासा किया है कि 2019 के घोषणा पत्र में स्वयं इन संशोधनों का वादा कांग्रेस ने किया था और अब जब संशोधन हो रहे हैं तो कांग्रेस इसके विरोध में खड़ी है, क्या राजनीति है? तो आपसे जानना है किरण जी, शिकायतें क्या हैं, आशंकाएं क्या हैं, चिंताएं क्या हैं, थोड़ा खुलासा करें। सच्चाई ये है कि जो पीपली में हुआ जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो जो सारी की सारी जो तस्वीरें देखी टीवी के ऊपर, किस तरह से लाठीचार्ज हो रहा है, सारी बात जो हुई वो बहुत ही मन को व्याकुल करने वाली बात चीज थी, क्योंकि किसान जो थे वो केवल अपनी आवाज बुलंद करने के लिए, सारे इकट्ठे होने के लिए वहां पे पीपली जा रहे जी। और जिस तरह से निर्भरता के साथ जो है उनके साथ जो व्यवहार करा गया, उसका उसकी जो है कड़ी से कड़ी शब्दों के अंदर मैं आलोचना करती हूँ, क्योंकि ये प्रजातंत्र, हमारा देश प्रजातंत्र के अंदर विश्वास रखता है, तो ये हर एक का हक है कि अपनी आवाज अपनी बात रखे जी। और किसान भाई जो है अच्छी तरह से जानते हैं कि ये तीन अध्यादेश जो है ये लागू जो करने के खिलाफ वो कह रहे थे, अब तो खैर लागू हो गए हैं, ये तीनों के तीनों बिल बन के आ गए हैं जी। ये सारे के सारे ये जो वो काम करा है सरकार ने कि पूरी तरह से कृषि को और किसान को, छोटे किसान का की कमर तोड़ जी, हर तरीके से कॉर्पोरेट्स को इसका फायदा मिलने वाला है, छोटा किसान जो है उसको कोई फायदा होने वाला नहीं। देखिए मैं आपको, अगर आप थोड़ा सा मुझे समय देंगे तो मैं थोड़ा सा इस पे विस्तार से बोलना चाहूंगी जी। ये तो बार बार ये जो बातें कही जा रही हैं, 100 तरीके के भ्रम फैलाए जा रहे हैं, सच्चाई ये है आज कृषि उत्पादन जो है वो सारा एपीएमसी एक्ट के तहत जो है निर्धारित होता है जी। और अंग्रेजी के समय और उसके बाद ये जो है ये एक्ट इसलिए लेकर आया है ताकि किसानों के साथ कोई शोषण हो पाए जी। तो उसके सारा का सारा मंडी का की प्रोड्यूस का ये सारा का सारा रेगुलेशन होता है। अब इन्होंने जो लेके आए हैं जो बिल जो इन्होंने बना दिया है इतनी जल्दबाजी के अंदर जो इन्होंने पेश करा, पहली बात तो ये है कहना चाहूंगी कि ऑर्डर की क्या जरूरत थी जी। इस पूरी तरह पार्लियामेंट चर्चा होती, पार्लियामेंट का मतलब क्या है, पार्लियामेंट का मतलब ये है कि वहां चर्चा हो और वहां पर चर्चा के अंदर सारों को पता चले कि इसके अंदर प्रो और कौन क्या है जी। तो चर्चा ना हो इसलिए सरकार ने जल्दबाजी के अंदर ये ऑर्डर लेकर आए ताकि चर्चा इसके ऊपर ना हो, और आपने देखा किस तरह से हबड़ दबड़ के अंदर ये तीनों के तीनों बिल जो है वो पास करवाए जी। सबसे पहले ये है कि जो है वो आउटसाइड जो है ये जो है एपीएमसी का जो एड आया है उसका जो है ये बात जो है अब हम जो है इसकी बहुत बड़े फार रीचिंग एक्शन होने जा रहे हैं स्टेट्स के, खासतौर से हरियाणा के लिए, क्योंकि हरियाणा जो है वो कृषि प्रधान प्रदेश है और हमारा यहाँ पे कृषि जो है वो हम मेन स्टेट है। इसके अंदर जो है कि एपीएमसी जो एक्ट है वो डील करता है फर्स्ट ट्रांजैक्शन बिटवीन द फार्मर एंड द ट्रेडर जी। वो पहला मतलब ट्रांजैक्शन जो है वो एपीएमसी एक्ट करता है। अब इसके लाने के बाद ये जो है डर को जो है इसमें जो ट्रेड इसमें कोई इंटरफेयर ये वाला एक्ट इंटरफेयर जो है इसके अंदर जी। तो लेवीज जो चार्ज होती है एपीएमसी एक्ट में उसके है, अब हरियाणा के अंदर आइए बहुत जबरदस्त से हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जी। ये जो हमारा टैक्स का कंपोनेंट आता है उससे हमारी मंडियां जो हैं
वो बेहतर बनती हैं, उससे क्या कहते हैं नया डेवलपमेंट होता है, उससे नया इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। और हमारे यहाँ पर फूड ग्रेन्स के ऊपर जो है हरियाणा के अंदर टैक्स लगता है, आप जानते हैं। तो ये सब सारी जो चीजें हैं, ये आप आने वाले समय के अंदर जब आप ये आप खत्म करने जा रहे हैं, तो इसका क्या फायदा होगा कोई डेवलपमेंट? जो हमने इतना इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो इतना पैसा डाला है, सबसे पहले मैं कहना चाहती हूँ, वो सारा का सारा बर्बाद होएगा, कोई उसके अंदर कोई आगे कोई वो बात होगी नहीं। और साथ ही साथ आप जो है ये वेलफेयर जो है, ये जो पैसा आता है, ये जो लेवी आती है, ये जो टैक्स जो आता है, इसको जो है वेलफेयर के लिए लगाया जाता है फॉर रूरल फार्मिंग प्लस जो है नॉन फार्मिंग सेक्शंस जो हैं उनके लिए ये पैसा लगता है। अब दुर्भाग्य की बात यह है कि ये ऑर्डिनेंस, ये एक्ट बनने के बाद ये सारा का सारा खत्म कर रहे हैं। मैं एक बात और कहूंगी कि इसका स्टेट स्ट्रक्चर जो है वो हमारी लिस्ट में जो है हरियाणा की एंट्री लिस्ट के अंदर एंट्री नंबर 26। अब इसके अंदर जो ये मतलब हमारे ये स्टेट का सब है, ये बाहर इसका वो नहीं है कुछ भी, आप समझ रहे हैं जो कह रही हूँ। और जो ये लाखों ऐसे फार्मर्स हैं जी, आवाज आ रही है जी, आपको पूरी आवाज आ रही है, छोड़ हैं जिनकी जो है जो अपनी जो जो प्रोड्यूस है वो बहुत एकदम को बेचनी पड़ती है, ये होल्ड नहीं कर रही, आप समझ रहे हैं। और उस कारण ये है कि किसका तो हमें देखा है कि हम जमीन के काम करते हैं, देखा है कि वो अपनी फसल बोता है, उसमें ये होता है कि पहली बात तो ये कि उसको दानी है उसको होल्ड करने की जी। दूसरी बात, वो फसल को तुरंत वो बेचता है इसलिए क्योंकि उससे उसका गुजर होता है, उससे उसका जो कर्जा है वो उसका निकलता है, उससे उसके शादी ब्याह होते हैं और सारा जो वो पैसा आता है उससे उससे सारा का सारा कामकाज जो है उस किसान का उस भाई से होता है। अब जो है इसके अंदर जो है इसमें जो है इनके पास कोई भी जब ये हार्वेस्ट होती है, मतलब जो ये प्रोड्यूस निकलती है, जो कृषि का जो प्रोडक्ट निकलता है, इनके पास जो बार्गेनिंग पावर नहीं। अब ये बहुत बड़ी बड़ी कि भाई कॉर्पोरेट जो जाके आप वहां बेच दोगे, कॉर्पोरेट के सामने बार्गेनिंग पावर नहीं है, समझते नहीं है। और फिर आपने खुद कहा कि जो है इसका जो अगर ये ओपन मार्केट के अंदर जो ये जाएगा तो कहाँ लेके जाएगा आप, अगर आप ये बताइए। किरणी, मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ, आपने काफी विस्तार से काफी बात कह लिया, हमारे साथ बाकी लोग भी जुड़े हुए हैं, लेकिन कुछ सवाल हैं जो आपकी शंकाएं उनको लेकर। इस पूरे विधेयक के अंदर का ये बात कहां कही गई है कि मंडियां खत्म हो जाएंगी? मंडी में तो बेचने का विकल्प उपलब्ध ही है, एमएसपी के संदर्भ में भी सरकार कह रही है कि ये बंद नहीं कर रहे, स्वयं प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम एमएसपी बंद नहीं कर रहे हैं, इसके अलावा भी विकल्प दे रहे हैं, तो इस पर आपको परेशानी क्या है, क्या आशंका लगती है? जब प्रधानमंत्री देश का यह बोल रहा है कि एमएसपी खत्म नहीं होगा, मंडी खत्म नहीं होगी, पर लोगों को विकल्प साथ में मिलेगा। एमएसपी की अवधारणा 1965 में आई थी लाल बहादुर शास्त्री जी के समय पे, उस समय पर इसके पीछे दृष्टिकोण यह था कि कम से कम इतना मूल्य मिलना किसानों को सुनिश्चित हो, इससे ज्यादा मिले तो ऐतराज नहीं, इससे ज्यादा मिला हो ऐसा दिखता नहीं, एक नई कोशिश है। नई कोशिश को लेकर ऐतराज क्यों है? नहीं, ये नई कोशिश जो है, नई कोशिश में कोई एतराज नहीं था। आप मेरी बात, मैं जो बात कहना चाह रही हूँ वो ये है कि इन बिलों से बहुत लंबे कहते इम्प्लीकेशन आने वाले हैं। अब आप ये देखिए, आई गिव यू एन एग्जांपल ऑफ अमेरिका। अमेरिका के अंदर हमारा जो उनका जो फार्मिंग सेक्टर है वो बहुत ही सुखड़ के रह गया है, और पर लेकिन जो फार्मर्स हैं उनकी होल्डिंग्स बहुत ज्यादा है, बहुत मतलब हजारों एकड़ के अंदर जो है उनकी होल्डिंग्स है जी। और जो स्टेट है उसको सब्सिडाइज करती है जी, डिस्पाइट द फैक्ट इतनी सारी होल्डिंग है, उसके बाद जो है स्टेट जो है उनको सब्सिडाइज करती है, फिर जाके जो है एग्रीकल्चर को आज भी वो कहते हैं कि भाई ये तो घाटे का सौदा है जी। तो हमारा यहाँ तो जिसके 2 एकड़ जमीन है किसी और वो है, वो कहां से उसके पास डिस्प्यूट होगी? आपने जैसे खुद बताया, कोई डिस्प्यूट अगर हो गई तो भाई वो मैजिस्ट्रेट के पास जाएगी, मैजिस्ट्रेट मेरे को कहना नहीं चाहिए, लेकिन हम सब जानते हैं कि भाई कॉर्पोरेट्स का जो है रिसोर्सेज क्या होते हैं, उनके पास काम झाम क्या होता है, तो किस तरह से फार्मर उस चीज को वो फार्मर इससे क्या कर रहा है? ये सवाल उठ रही है किरण चौधरी जी, बृजमोहन अग्रवाल जी मेरे साथ 5 साल तक लगातार कृषि के तौर पर काम किए हैं, उनसे ही समझने की कोशिश करते हैं इतनी जिद पर क्यों है आपकी केंद्र में बैठी हुई सरकार। किसान सड़क पर है और सरकार दृढ़ता के साथ में अड़ी हुई, हम तो ये करेंगे ही,
एक मंत्री तक आपका साथ छोड़ गया, दशकों से जो आपके साथी थे वो आपके दरवाजे से बाहर निकल गए, पर फिर भी देश के प्रधानमंत्री तक अड़े हुए हैं कि हम तो ये करेंगे, क्यों इतनी जिद्द है ब्रजमोहन जी? हिमांशु जी, जी ये कि आज नहीं हो रहा है, मैं कृषि मंत्री रहा हूं जी, पिछले 7 सालों से सेंट्रल गवर्नमेंट, जब से मोदी जी आए हैं तब से पिछले 6 सालों से सेंट्रल गवर्नमेंट इस प्रयास में लगी है और पूरी राज्य सरकारों को इसको भेजा गया, इसके प्रोफार्मे को, और इस प्रोफार्मे को राज्यों से सहमति ली गई, कांग्रेस पार्टी ने भी इस पर सहमति दी है, कांग्रेस पार्टी ने अपने एजेंडे में रखा है। और जहां तक बात है कि पूरे देश में किसानों को इससे सुविधा मिलनी है, अभी आपने कहा मंडियां समाप्त नहीं हो रही है, MSP समाप्त नहीं हो रही है, तो चिंता किस बात की है, डर किस बात का है? बल्कि किसानों को सुरक्षा मिलेगी कि किसानों को आज औने पौने दामों पर अपनी सामग्रियां बेचनी पड़ती है, जब पैसे की जरूरत होती है, तो इसके माध्यम से किसान पूरे देश भर में कहीं पर भी पाएगा, राष्ट्रीय स्तर पर बेच पाएगा, मंडी में बेचने की जो बाध्यता है वो समाप्त होगी, जो मंडी टैक्स देना पड़ता है वो बाध्यता समाप्त होगी, और मंडी के कारण जो किसानों को परेशानियां उठानी पड़ती है वो समाप्त होगी, और उसके परिसर से ही जो व्यापारी है ये सिर्फ कारपोरेट नहीं है जी। इसमें कोई पार्टनरशिप फर्म भी खरीद सकती है, कोई व्यापारी भी खरीद सकता है बाहर जी। तो अभी भी जो है मंडियों से बाहर व्यापार होता है और उस व्यापार को मंडी अनुमति देती है और बाहर के व्यापार पर मंडी खाली टैक्स वसूल करती है जी। तो ये खाली पूरे देश को गुमराह करने की कोशिश है। वास्तव में किसान को जब पूरी बात समझ में आएगी तो ये उसके हित का मामला है और ये आज से नहीं, पिछले 6 साल से ये प्रयास चल रहा था जी। बहुत से राज्य सरकारों ने सहमति दी, कांग्रेस की भी जब पहले सरकार थी, मनमोहन जी की सरकार थी, तब भी कॉन्ट्रैक्ट खेती के मामले में उन्होंने भी कानून बनाने की कोशिश की थी, उन्होंने भी राज्य सरकारों से सहमति मांगी थी। तो ये कोई नया काम नहीं हो रहा है जी। ये लंबे समय से पूरे देश में कि प्राइवेट मंडियां बने, किसानों को सुविधा मिले, किसानों को रेट मिले, किसानों को एडवांस मिले, किसानों को उनकी उपज का सटीक मूल्य मिले, पूरे देश में सबसे ज्यादा जहां पर रेट होगा वहां पर वो मिले, इसमें ई मार्केटिंग की भी सुविधा दी गई है। तो इस प्रकार की जो बात की जा रही है ये बात औचित्यपूर्ण नहीं है, ये किसानों को गुमराह कर आंदोलन के रास्ते पर लाया जा रहा है। वास्तव में किसानों को आने वाले समय पर इससे सुविधा होनी है। मेरे 2-3 सवाल हैं आपके इस पूरे उत्तर के संदर्भ में। अगर आपकी नीयत इतनी अच्छी है, आपका व्यवहार इतना अच्छा, आपका काम इतना बेहतर है, तो सड़क पर इतने हजारों किसान क्यों उतर रहे हैं? आप बात कर रहे हैं कि हम किसानों के हित में काम कर रहे हैं, कैसा काम कर रहे हैं? आपकी सरकार थी, आप खरीदते थे धान समर्थन मूल्य पर, आपने लिमिट लगा दी कि 15 क्विंटल से ज्यादा नहीं खरीदा जाएगा। आप मोदी सरकार का हवाला दे रहे हैं, मोदी सरकार ही तो थी जिसने आपकी सरकार को यहां से रवाना करा दिया कि आप जो धान पर बोनस देते थे किसानों के संदर्भ में, उसमें आपत्ति कर दी कि आप बोनस नहीं दे सकते। किसानों के हित में जो हो सकता था हर फैसला तो उसके खिलाफ लेते हुए दिखते हैं। आप यहां पर अधिनियम लेकर आ रहे हैं, आवश्यकता वस्तु संशोधन अधिनियम, उसमें आलू प्याज को बाहर कर रहे हैं। 2 दिन पहले आपने फैसला लिया है प्याज के निर्यात पर रोक लगा दी है। नासिक के किसान, महाराष्ट्र के किसान सड़क पर बैठे हैं आपके फैसले के खिलाफ कि उनकी उपज को आपने रोक दिया। फैसले आपके सारे किसान विरोधी दिखते हैं, दावा आप किसानों का हितैषी होने का करते हैं। कैसे यकीन करेगा देश, कैसे यकीन करेगा देश का किसान आप पर? जी बिल्कुल, आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम भी जो लाया गया है उसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार को यह अधिकार है कि जब वो चाहे इन वस्तुओं को आवश्यक घोषित कर सकती है। आज भी अधिकार रखा गया है और पूरे देश को अगर एक बाजार अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार हो गया है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार के समय पर कोई भी बहुत ज्यादा स्टॉक कर बहुत ज्यादा कमा सकता, जहां कमी होगी वहां पर वो पहुंच जाएगी। इसलिए पूरे देश में और पूरे विश्व में आयात निर्यात के ऊपर में प्रतिबंध लगाया गया है। जब किसानों की सुरक्षा के लिए प्याज, अगर हिंदुस्तान में प्याज की कमी है तो इसके निर्यात पर रोक लगाई गई है। तो सरकार के पास में, राज्य सरकारों के पास में भी, केंद्र सरकारों के पास में भी अधिकार पूरे हैं, परंतु जो राजनीतिक आधार पर किसानों का आंदोलन किया जा रहा है, पूरे देश में आप देखेंगे तो कोई बहुत बड़े स्तर पर पूरे देश में 70 करोड़ किसान है, परंतु पूरे देश में 5-10 लाख किसान भी सड़कों पर नहीं उतरे हैं, क्योंकि किसानों को मालूम है ये जो तीनों विधेयक कानून बनाए गए हैं, तीनों कानून किसानों के हित के कानून है, किसानों के विरोध के कानून नहीं है। ये किसानों के विरोध के कानून नहीं है, मोहन जी का ये दावा है। किरण चौधरी को हस्तक्षेप करना जा रही है,
किरण जी के पास उनका हस्तक्षेप सुनते हैं और फिर कमल पटेल जी के चलेंगे। जी किरण जी, आपका हस्तक्षेप। देखिए, अभी माननीय भाई साहब ने ये बात कही कि कांग्रेस ने मनमोहन सिंह जी के समय से ये बात है, तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि कांग्रेस ने जो है ये बात सोच समझकर इसको नहीं आगे लागू करा, क्योंकि मालूम था कि ये जो अध्यादेश है, ये इस तरह से जो ये फ्री ट्रेड की बात कर रहे हैं, बड़ी बड़ी ये जो एम्बिगुअस टर्म्स इन्होंने बना दी है, फ्री ट्रेड, फ्री कॉन्ट्रैक्ट, कहीं भी जाके आप बेच दो, ये सारी चीजें जमीनी स्तर के ऊपर संभव नहीं है। और ये हम नहीं कह रहे, इसको आप राजनीतिक आंदोलन बताइए, सारे हैं वो, आप ये मत कहिए कि वो अनपढ़ हैं या उनको समझ नहीं है, उन्हें नहीं है कि उनके लिए है, उनको आप बिल्कुल इस तरह से डस्टबिन में मत फेंकिए, वो उनको मालूम है उनके लिए क्या सही है क्या नहीं, किसानों के को पता है उनके लिए सही है क्या गलत है। ये किरण जी का कहना है, मेरे साथ किसान नेता राहुल राज जी मौजूद है, मुखर होकर अपनी बात रखते हैं, राहुल जी से सुन लेते हैं क्या परेशानी है उनको इस पूरे मसले को लेकर। राहुल जी देखिए, पूर्व कृषि मंत्री और वर्तमान कृषि मंत्री दोनों यहाँ बैठे हैं और विपक्ष के भी नेता बैठे हैं, मैं तो केवल किसान के तौर पे ये जो मेरे प्रश्न है इन तीनों कृषि अध्यादेश को लेकर, मैं माननीय मंत्री जी स्पष्ट कर दें, पहला कि आज जब आपकी खुद की सरकारी मंडी में समर्थन मूल्य से नीचे व्यापारी खरीदता है, आपके सरकारी कर्मचारी मंडी सचिव के सामने आप कुछ नहीं कर पाते हैं, ये विगत जब से एपीएमसी मंडी बनी तब से चला आ रहा है, तो आपकी प्राइवेट मंडी में आप किस मुंह से कह रहे हैं कि समर्थन मूल्य से ज्यादा किसान को मिल जाएगा, सवाल नंबर एक जी। सवाल नंबर दो, आपके वसूल नियम संशोधन करने से जिस कालाबाजारी को रोकने था, आप लोगों को व्यवस्था दे रहे हैं, क्या इससे कालाबाजारी नहीं बढ़ेगी, क्या आप ये चाहते हैं कि मंडी में प्राइवेट व्यापारी अपनी ही मांग को पहले औने पौने दाम पे खरीदे, फिर बहुतायात में भंडारण करके पूरा फूड मार्केट अडानी अंबानी जैसे उद्योगपतियों के कैप्चर में आ जाए, सवाल नंबर तीसरे और अगर हमारा विवाद हो जाता है तो आप बड़े साफ शब्दों में उसमें लिखते हो कि पहले एसी के पास जाइए, एक महीने में बोला कलेक्टर के पास जाइए, आप कोर्ट नहीं जा सकते, आज भी रेवेन्यू कोर्ट में हमारे नाम के प्रकरण के लिए हमको पैसे देने पड़ते हैं, भ्रष्टाचार का किसी है, हमारी सुनेगा या अडानी के व्यक्ति की सुनेगा, जिस बड़े बड़े उद्योगपतियों के सामने बड़े बड़े मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नतमस्तक होते हो, एक दो बीघा चार बीघा का किसान, पांच एकड़ से कम का किसान, आप सोचते हो उससे बहस कर लेगा, ये किस प्रकार की इम्प्रैक्टिकल बात ये लोग कर रहे हैं, आप जमीन पे करके सोचिए साहब गांव में क्या हालात होते हैं, एसडीएम अपने आपको चीफ मिनिस्टर समझता है, कलेक्टर नहीं आता है, उस देश में आप ये डर रहे हैं कि हम एसडीएम से डील करके अपना पैसा ले लेंगे, और कोई भी व्यापारी द्विवेदी जी आज पैसा खा के भाग गया इनकी प्राइवेट व्यवस्था, तो उसकी गारंटी आज रोड का धान का पेमेंट आज भी भोपाल की मंडी में किसानों को लेना बकाया है, उस व्यापारी से आज तक ये नहीं दिलवा पाए, धान अपने धार की मंडी में हमारे यहाँ 1.5 करोड़ करने के बकाया, उसका विवाद चाहे उसका पैसा नहीं दिलवाए, अगर ये बात करें प्राइवेट व्यापारी से विवाद होने हमारा पैसा दिला देंगे, मैं कहूँ आप तीनों अध्यादेश में चौथा अध्यादेश ले आइए ना, आपकी तो पूर्ण बहुमत की सरकार है कि खरीदी की गारंटी का कानून किसान मान लेंगे, और माननीय पूर्व कृषि मंत्री छत्तीसगढ़ के कह रहे हैं कि पूरे देश का किसान परेशान है, कुछ किसान को बता दूं कि जमीन हकीकत टटोल जाके निकले अपने प्रदेश से, एक बार मध्य प्रदेश आ जाए, यहाँ से राजस्थान जाए और हरियाणा जाए, जगह जगह आपकी गाड़ी रोकने में आपका विरोध नहीं किया तो मेरा नाम बदल देना, इस प्रकार आप बैठ के टीवी पे किसान को बांटो कि कुछ ही किसान विरोध कर रहे हैं, पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश का सक्षम किसान होता है जिसकी आवाज बुलंद करने से पूरे किसानों की आवाज दब जाती है, कुल मिलाती है द्विवेदी जी ये तीनों कृषि अध्यादेश पूरे हिंदुस्तान के किसानों के ताबूत में आकर वकील साबित होंगे, बार बार कहा है कि कॉर्पोरेट राज हमारी जो आने वाली फसल रूपी नस्ल है तो कर देगी, इन तीनों कानून में किसान की गारंटी नहीं, और ये क्या बात करते हैं किसान को हम छूट दे देंगे, अभी हमारे निमाड़ की मिर्ची निमाड़ की दिल्ली की हालत है, मेरे खुद क्षेत्र रावगढ़ का किसान अपना सोयाबीन लेके राजस्थान की छबड़ा मंडी बता है, हमारे यहाँ डबरा का हमारे अशोकनगर की धान का लेके लोग कोटा मंडी में जाते हैं, अब आप कहोगे मंडी में जाता है लेकिन प्राइवेट व्यापारी को देंगे, तो आज मंडी में सरकारी मंडी में हमको छूट है, सुबह की बोली में अगर मुझे सही कीमत नहीं मिलती है तो उनकी बोली में अपना फसल बेच सकता हूँ, लेकिन आपकी प्राइवेट मंडी में तो वो लिस्ट लगेगा साहब ये हमारी रेट है क्यूआर पे भार कर देगा, आप तक कोई हसन नहीं है, और आपने कुछ छूट दी ये कह के उसने कोई टैक्स नहीं लगा, तो आप जब टैक्स नहीं लगा कहोगे तो व्यापारी अपना फायदा देखेगा या किसान का, इन सवालों का जवाब सारे सवाल राहुल राज ने उठाए, ऐसे सवाल जिनके उद्देश्य जानना चाहता है। कमल पटेल जी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, कमल जी आपसे जाऊंगा, एमएसपी को आप
55 साल बाद 1965 देश में एमएसपी लागू हुआ था। 23 फसलों के लिए एमएसपी है, पौधा गन्ना के संदर्भ में अलग से निर्धारित होता है। 23 के मुकाबले आप 2-4 फसलों में खरीद करते हैं, इसके बाद में सुधार की बात करते हैं। कहां ले जाना चाह रहे हैं किसान को, कहां मार देना चाह रहे हैं, ये किसानों की शंकाओं का समाधान करने के संदर्भ में भाजपा कांग्रेस की बात नहीं है, बात किसान की है, किसान के बेटे से है। हिमांशु जी, जी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हम 2022 तक किसानों की आय 2 गुना करेंगे जी, खेती जो घाटे का धंधा उसको लाभ का धंधा बनाएंगे जी, और इसलिए सुधारी गई जी। हम दुर्भाग्य है कि कोई अच्छा कार्य करो, विरोधी लोग भी अच्छा कार्य मानते हैं, व्यक्तिगत रूप से ये सब कहते हैं अच्छा है, लेकिन राजनीति करना इसी विरोध करते हैं। मैं कह रहा हूँ कि किसानों की मंडियां रहेगी जी, है ना, मंडियां भी रहेगी, एमएसपी पे खरीदी भी होगी समर्थन मूल्य पर जी। अभी हमने 129 लाख मीट्रिक टन गेहूं मध्य प्रदेश में खरीदा, पूरे देश के अंदर 75,000 करोड़ का गेहूं किसानों से भारत सरकार ने खरीदा है जी, और इसलिए ये सुविधाएं तो सब रहेगी ही जी, किसी को कोई शंका कुशंका भ्रम में नहीं करना चाहिए, भ्रमित नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त ये सरकार, भारत सरकार जो किसानों की सरकार है, मोदी जी आज 2 गुना करना चाहते हैं, और इसलिए किसानों को और अतिरिक्त सुविधा देना चाह रहे हैं, इसमें इनको क्या तकलीफ है जी। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि आप मंडी मत जाइए, किसान मंडी जाएगा ही, किसान के समर्थन मूल्य पे खरीदी होगी ही, और हम विस्तार कर रहे हैं और ज्यादा जी। उसके अलावा अतिरिक्त ये सुविधाएं दी जा रही है, इसलिए किसान को प्रतिस्पर्धा में रेट अच्छे मिले। अगर मैं किसान हूँ, मुझे मंडी में रेट अच्छे मिलेंगे मैं मंडी जाऊंगा, मुझे समर्थन मूल्य पर रेट अच्छे मिलेंगे मैं समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीदी में जाऊंगा। अगर मुझे बेटे मेरे खेत में ही कोई व्यापारी कॉन्ट्रैक्ट करके मुझे समर्थन मूल्य से ज्यादा रेट दे रहा है, मेरी फसल अच्छी है, तो उसमें क्या दिक्कत है किसी को। एक सवाल है इसमें कमल जी, राहुल राज जी ने इस बात को उठाया, किरण जी भी कुछ कहना चाह रही, उनके पास चलूंगा, लेकिन आपसे एक सवाल है, जब आप एमएसपी की इतनी दुराई दे रहे हैं, तो राहुल राज ने इतनी तो कहा कि आप एमएसपी की गारंटी दे दीजिए, गारंटी का कानून ला दीजिए, उसके साथ में ये सुधार कीजिए, तो इसके संदर्भ में मौन रह जा रहे हैं, और आप कांग्रेस के संदर्भ में आरोप लगा रहे हैं या कह रहे हैं इस देश में कुछ भी अच्छा करो लोग विरोध करने लगते हैं, विरोधी विरोध कर रहे हैं, ठीक है, आपकी अपनी सरकार का हिस्सा है ना अकाली दल, उसकी मंत्री तक आपका साथ छोड़ गई, कोई तो कारण होगा, क्यों इसको इतना विश्वास आया आपकी सरकार, आपकी नीति पर, आपकी रीति पर। नहीं अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये जो कानून आए हैं ये किसान के विरोध में कहाँ है? जो अभी तक भारत में सुविधाएं चल रही है, राज्यों में सुविधाएं चल रही है, मंडियों की है, समर्थन मूल्य की है, वो बरकरार रहेगी, इसके अतिरिक्त हम सुविधा दे रहे हैं। और आपके द्वारा जो सुविधा दी जा रही है उसी पर सवाल है, किरण चौधरी जी को हस्तक्षेप करने जा रही है, किरण जी आपका कोई सवाल कमल पटेल जी से? मैं ये कहना चाहती हूँ इनको कि आज जो है हमने जो अपनी मंडियों में देखा है, किसान जो है वैसी दर बदर की ठोकरें खाते हैं, एमएसपी जो है मिलती है कई बार नहीं मिलती जी, और जो किसान बेचारा बाहर जो लेकर जाता है, पहले तो इतनी सारी लंबी शर्तें लगा दी जाती हैं एमएसपी के लिए, ये करो वो करो, इतना होना चाहिए, इतना क्विंटल लेंगे इतना नहीं लेंगे, बाहर औने पौने दाम के अंदर हमारी सरसों की फसल है, हमारी कपास की है, औने पौने दाम के अंदर जो है किसान जो है बाहर बेचता है, तो ये बात कहना कि भाई इनको तो बिल्कुल अशोर्ड है, ये बिल्कुल ही गलत बात। दूसरी बात जो है ये एसेंशियल कमोडिटीज जो इन्होंने ये जो ईज करा है ये रेगुलेशन, मैं इनसे ये बात पूछना चाहती हूँ कि हम सब जानते हैं कि भाई जो ट्रेडर है वो अपना जब वो तो अपना सामान वो प्रोड्यूस तब खरीदेगा जब उसको फायदा होगा, और वो उसको उठा के होल्ड करेगा, और वो बेचेगा तब जब उसको फायदा होगा कि वो तब बेचेगा, तो क्या जो है वो तो होल्ड करना, उसको तो बेचना पड़ेगा, भाई वो सस्ते भाव में लेगा तो उसको बेचना पड़ेगा, तो ये जो है इसके अंदर जो छोटा किसान है वो पूरी तरह से मारा जाएगा, छोटा किसान पूरे तरीके से मारा जाएगा। कमल पटेल जी ये कहना है आपके जो रीति नीति के संदर्भ में बात करो, दो सवाल है, एक एमएसपी पर खरीदारी को आप सुनिश्चित करने का तो गारंटी का कानून ला नहीं रहे, आप ये सुनिश्चित नहीं करोगे कि किसान को हर हाल उसकी उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य आपकी सरकार सुनिश्चित कराएगी, इस पर आप मौन है, और साथ में बाजार के हवाले कर दे रहे हैं ये कहते हुए उसकी मर्जी है, मर्जी तो व्यापारी की चलेगी, और इसी को लेकर सबको शंकाएं हैं कि आप कुल मिलाकर इस देश के किसान को बाजार के हवाले कर दे रहे हैं, कॉरपोरेट के हवाले कर दे रहे हैं, उद्योगपतियों के हवाले कर दे रहे हैं,
और मरे हुए किसान को और ज्यादा मार दे रहे हैं। कैसे दूर करेंगे ये चिंताओं को? तो कॉम्पनसेशन जो है आज जो है पूरा का पूरा हरियाणा के अंदर नरमा मूंग ग्वार की फसल जैसे खराब हो चुकी है, उसकी गिरदावरी तक नहीं करवाई गई है, कॉम्पनसेशन कहां से नहीं देने की बात हो रही है, तो किसान तो वैसे ही मारा जाएगा, किसान वैसे ही मारा जाएगा। जी कमल जी आपका कहना। मानसू जी, मैं बहन किरण जी, वो भी मंत्री रही है, हमारी बड़ी बहन है, मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ बहन कि 85% उन्होंने माना है, मैं भी कह रहा हूँ, जो 1 हेक्टेयर लघु और सीमांत कृषक है उनके पास ना ट्रैक्टर है न कोई साधन है, और इसीलिए वो जो मंडी व्यवस्था है और ये ठीक है, लेकिन मंडी में नहीं जा सकते माल बेचने, और इसलिए वो फड़िया को जो घर घर जाके खरीदते हैं उनको 1925 गेहूं का समर्थन मूल्य 1400-1500 में खरीद लेते हैं, क्योंकि उनको 10 कुंटल 15 कुंटल 50 कुंटल 25 कुंटल बेचना होता है, और इसलिए ये व्यवस्था की गई है कि किसान के कॉन्ट्रैक्ट खेती भी कर सकते हैं कि हम आपको इतना रेट देंगे, आप ये फसल बोइए, उनको अच्छा बीज अच्छी गुणवत्ता के खाद दवाई मिलेगी, और वो अपने कॉन्ट्रैक्ट के पहले से चिंता नहीं रहेगी उनको, मेरा मैं किसान छोटा तो मैंने मान लो कोई धान बोया गेहूं बोया चना मुझे व्यापारी इस रेट में देगा तो मैं मुझे खरीदेगा भरी भाव दिया तो भी उसी रेट में मिलेगा, एक किसान के खलिया जब माल बिकेगा खेत से घर से तो उसको ट्रांसपोर्टिंग खर्चा नहीं लगेगा। हम मैं बताना चाहता हूँ जब फसल किसान की आती खरीफ और रबी में उस समय किसान एक साथ मंडी में माल बेचने जाता है, मंडी में माल बेचने जाता है तो व्यापारी मान लो उदाहरण किसी मंडी में एक माह वहां पर अगर व्यापारियों की 10,000 कुंटल माल खरीद किए उस मंडी में लेकिन आता 20-25-50 कुंटल 8-8 दिन तक मंडियों में माल की ट्रैक्टर ट्रालियां खरीद रहती है, व्यापारी जब उनको माल फ्री का बोली लगाते हैं डाउन कर देते हैं, और इसलिए किसान के फसल आती है उस समय महीने 2 महीने 3 महीने सीजन रहता है, भाव कम होता है, और जैसे ही किसान के पास से व्यापारियों के पास माल आ जाता है और वो स्टॉक कर लेते हैं और उसके बाद भाव 2 गुना 3 गुना बढ़ जाता है, तो किसान मेहनत करता व्यापारी कमाते थे बिचौलिए, मोदी जी बिचौलियों को कम करना चाहते हैं और सीधे किसान को लाभ देना चाहते हैं, लाभ देना चाहते हैं। आप सारी बात कह रहे हो कमल पटेल जी, लेकिन जो बात बतौर किसान नेता राहुल राजी ने कही, न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून लाने में तो सरकार मौन हो जाती है और बाकी सारी कहानी कहने के लिए तैयार है, इसके संदर्भ में कुछ कहेंगे? क्या गारंटी दे रहे हैं आप लोगों को उनके खेत का उत्पादन पूरा खरीदने के संदर्भ में? छत्तीसगढ़ की बात करता हूं, 1 एकड़ में 20 क्विंटल 25 क्विंटल 28 क्विंटल तक उपज होता है धान का, लेकिन आपकी सरकारों ने लिमिट लगा दी कि 15 क्विंटल से ज्यादा हम खरीदेंगे नहीं, कहां लेकर जाएगा किसान, उसके संदर्भ में क्या व्यवस्था? अगर आप इतने ही संवेदनशील हैं तो इसके संदर्भ में कानून क्यों नहीं लाए? इसके बारे में बता रहा हूं आपको, सुनिए जी, सुनिए तो सही भाई, बहन जी सुनिए तो सही, अभी मैं बता रहा हूँ, ये बहन जी इनके कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे 15 महीने मध्य प्रदेश में जी। वो प्रति हेक्टर सरसों 13 क्विंटल खरीदने का निर्णय किया था जी। और चना 15 क्विंटल और उसके बाद में सरकार उनकी गिर गई और शिवराज जी मुख्यमंत्री बने, मैं कृषि मंत्री बना और मैंने 13 क्विंटल सरसों को 20 क्विंटल करवाया मुख्यमंत्री जी से और 15 से 20 चना करवाया, उसके कारण 1000 करोड़ का किसानों को फायदा दिया है। ये है कांग्रेस की राजी और भारतीय जनता पार्टी की कतनी कितना अंतर, ये कतनी और करनी, ये कहना है। हमारे साथ में कक्का जी जुड़ गए हैं, किसान नेताओं के रूप में किसान आंदोलन की पहचान है देश। कक्का जी आपसे जानना चाहते हैं पूरे मामले के संदर्भ में आपका नजरिया, किन बिंदुओं पर आपत्ति या सहमति है जो केंद्र की पहल है? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसे कृषि क्रांति करार दे, उनका मानना है कि किसानों की लंबे समय से चली आ रही परेशानियां खत्म होने का वक्त आ गया है, उनका अभाव में रहने का समय खत्म होने आ गया है, उनकी जिंदगी से दुश्वारी मुश्किलें परेशानियां होने का समय आ गया है और एक नया सूरज उन्हें जा रहा है, किसान खुशहाली की ओर बढ़ रहा है। लेकिन किसान खुशहाली की ओर बढ़ रहा है देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं और किसान इसी के खिलाफ में सड़क पर उतर रहे, क्यों? में आज बहुत बड़ा संकट है जी, तो वो संकट है विश्व जी कि हम मोदी जी ने वादा नंबर 4 में भाषण देखे लोकसभा चुनाव में जी, ये कहा था कि अब अगर हम समय आए तो किसानों C2+50
स्वामीनाथन आयोग उनको समर्थन मूल्य देंगे। छह साल हो गए नहीं दिया जी। अभी जो कानून इन ऑर्डिनेंस लेके आए बारे में चर्चाएं काफी हो चुकी होंगी, कहीं हुआ था बीच में जी। हम मोदी जी ने कहा अभी है कि विपक्ष भ्रम फैला है, अध्यादेश जिस दिन जारी हुआ उसके दूसरे दिन हमने प्रधानमंत्री जी को खत लिखा जी कि ये अध्यादेश किसान की डेथ वारंट है जी। गलत बात को जस्टिफाइड करने की कोशिश न की जाए, इनमें ये विसंगतियां हैं। आपको तो चार दिन पहले मालूम पड़ा मेरी अभी परसों जी, तो विपक्ष ने दिन पहले इस मुद्दे को थोड़ा सा उठा, उन्हें पता ही नहीं था कि ये मामला क्या रहा है जी। हम तीन से इसका कंपेन कर रहे हैं, पूरे देश के 180 किसान संगठन हमारे नॉन पॉलिटिकल हैं जी, क्योंकि किसान को पता ही नहीं है कि ये ऑर्डिनेंस क्या होता है, कैसा है, कब लगाया जाए। वैसे भी ऑर्डिनेंस कृषि के क्षेत्र में नहीं लाए जाते, बहुत सोच विचार के काम किया जाता है, आनन फानन में ये काम नहीं किया जाते जी। अब ठीक है, मोदी जी भ्रम फैला रहे हैं। मोदी जी ने ये भी ट्वीट करके कहा है कि हम किसानों को MSP देंगे जी। बहुत अच्छी बात बोली मोदी जी आपने, हम आवाज देते हैं। तो आपसे बात है कि जो ऑर्डिनेंस एक आप लाए हैं उसमें एक लाइन जोड़े ना कि किसानों को की पूरी उपज को क्रय करने की गारंटी का कानून बनाए तथा MSP पर खरीद की गारंटी देते हैं, खत्म बात हो गई, हमारा भरोसा समाप्त हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए हमने चना बिकवाया, हमने गेहूं बिकवाया, हमने इतने हजार करोड़ यहां कर दिए, ये अखाड़े से बाहर मत जाइए। आप तो इस बात पर करिए आप किसानों को प्राइवेट मंडी जहां प्राइवेट व्यापारी होगा, दो हेक्टेयर जमीन व्यापारी को दे रहे हैं, वो तोलने वाला उसका होगा, मोल भी उसका होगा, भाव भी उसका होगा, और भुगतान भी केवल जिसके पास पैन नंबर होगा वो कोई भी बात खरीद सकता है। तो कभी है लोग अध्यादेश की मंशा यहाँ बहुत साफ होती है, मंत्री जी से पूछिए जी, वो बताएंगे मंत्री जी कि हम तीनों अध्यादेश में चाहे वो लैंड बिल हो, चाहे वो आपका एक राष्ट्र एक कृषि बाजार हो, चाहे 1955 खोली वाला हो, सिविल कोर्ट नहीं जा सकते जी। भाई न्यायालय हम क्यों नहीं जाएंगे, ये तो अंग्रेजों ने भी यह कानून नहीं बनाया। यहाँ अपील होगी, दूसरी अपील कलेक्टर के पास हुई, बहुत दबाव दिया, तो तीसरी अपील अभी सरकार फोन किया है कि ज्वाइंट सेक्रेटरी भारत सरकार एग्रीकल्चर के भी 50 लाख किसान के पास जाएंगे तो वो कहाँ बचेगा किसान, वो क्या दो ज्वाइंट सेक्रेटरी के पास दिल्ली जाएगा। न्यायालय जाने से वंचित करने का ये काला कानून है, आप हमको न्यायालय जाने से क्यों करें। बड़ी महत्वपूर्ण बात कक्का जी ने उठाई है। ब्रजमोहन अग्रवाल जी मेरे साथ में है, कमल पटेल जी के पास भी चलूंगा, लेकिन ब्रजमोहन जी आपसे जानना चाहता हूं, कक्का जी का कहना है कि संकट विश्वास का है, बड़ी आसानी से समाधान हो सकता था अगर आपने एश्योरेंस दे दिया होता मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर आपकी उपज खरीदने का, कानून में शामिल कर दीजिए, बात खत्म। क्यों डर रही है आपकी सरकार, क्यों डर रही है आपकी पार्टी, दावा किसानों का हितैषी होने का और काम सारे किसान विरोधी, ऐसा किसान कह रहे हैं, कोई जवाब आपके पास? हिमांशु जी जी, किरण जी और कक्का जी बैठे हैं जी, मैं इन्हीं से पूछना चाहता हूं कितने प्रतिशत किसान मंडियों में जाकर अपना माल बेचते हैं जी। पूरे देश के 30% किसान सिर्फ मंडियों में माल बेचते हैं जी, बाकी किसान ने माल को औने दामों पर बेचने के लिए मजबूर होते हैं। हिमांशु जी आपको भी मालूम है छत्तीसगढ़ में 39 लाख किसान है, 14 लाख किसानों का दिया जाता है, बाकी किसानों का धान कौन खरीदता है, किसने पर बिकता है, 30% किसानों का मंडियों में बिकता है, ये 70% माध्यम से लेगा और एक मंडी होगा पूरे देश, और कोई भी किसान कहीं अपने माल को बेच पाएगा राज्य को बेचने पर दाम की है समाप्त हो जाएगी। बाकी हम सिर्फ 30% किसान बात नहीं, 70% किसान ही कह रहे हैं, 70% किसानों को इसके सुविधा की, इसके माध्यम से जो किसान छोटे किसान है सीमांत किसान है जिनके पास खेती करने के लिए पैसा नहीं है उनको पैसा मिलेगा, उनके रेगा को भी उनकी आय बढ़ेगी, आप भी जाने कि सही को खरीदने के MSP पे खरीदने की गारंटी कोई भी सरकार नहीं दे सकती, पूरे देश का बजट लगा देंगे भी नहीं हो सकता। बड़ी खरी ब्रजमोहन जी ने कही है, सारी चीज खरीद के MSP दे नहीं सकती, ये कहना है भारतीय जनता पार्टी का कदम।
तकरीबन 20 साल है ब्रह्मा जी का। मैं पटेल जी चलू, उससे पहले किरण जी कुछ शेप कर रहे हैं, किरण जी के पास सुनते हो, कमल पटेल जी के पास। जी किरण जी, मैं अरवान से कहना चाहती हूँ कि मंडियों के अंदर जो है किसान चाहे कि वो मंडी में ही अपनी जो है वो जाकर बेचे। बात और है कि सरकारें जब हैं सुनिश्चित समय के ऊपर मंडियों के अंदर हैं काम नहीं करती, कार्रवाई नहीं होती, शुरुआत नहीं होती, इसलिए मंडियों से बाहर बेचारे को पौने पौने दाम के अंदर वो बेचते हैं। तो उसकी नियत होती है कि मंडी में ही जाया जाए, उसकी नियत होती है जाया जाए। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कक्का जी के द्वारा उठाए सवाल के संदर्भ में, किसानों को अदालत जाने के हक से क्यों रोके सरकार? जो कानून आप बनाया, एक किसान का मौलिक अधिकार छीन ले रहे हैं। ये तो इस देश के आम नागरिक को अधिकार संविधान में मिला, आप कैसा कानून लेकर आए हैं कमल जी जिसके अंदर किसानों को न्यायालय जाने की अनुमति नहीं है? क्या कहेंगे इस पर आप? ये मंशा अपने आप में आपको कटघरे में खड़ा नहीं करती, इसको कैसे दूर करेंगे आप? नहीं नहीं, उसमें ऐसा नहीं है, मैं कक्का जी का बहुत मान करता हूँ जी, और वो किसान नेता है, लेकिन मैं उनके विश्वास का संकट है। अरे भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास चले, अब तो दूसरी बार प्रधानमंत्री बने जी। भारतीय जनता पार्टी ने अपने बल पर सरकार बने, अगर विश्वास नहीं होता जनता सरकार कहाँ से बनती? लेकिन इसी जनता ने भाजपा के प्रति जाहिर किया था, ये भी तो साथ में। कमल जी एक सवाल फिर से करता हूँ, आपने कक्का जी की शंका का जवाब नहीं दिया है, लेकिन मेरा सवाल है, अगर आपकी सरकार इतना ही किसानों की हितैषी है तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में धान पर बोनस क्यों बंद कराया और गेहूं पर बोनस बंद कराया? वो पैसा तो किसान की जेब में जाना था, किसान को लाभ मिलना था, किसान का पेट भरा। आपकी केंद्र में बैठी हुई कारण किसानों के पेट भरने पर क्यों लगाई, इसका कोई जवाब आपके पास? हाँ है जवाब, हमने मध्य प्रदेश में सुनी 100 लाख मीट्रिक टन का पिछले बार कांग्रेस की सरकार थी, 68,000 खरीदा था गेहूं, इस बार सीजी के नेतृत्व में हमने 129 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद के पंजाब को पीछे छोड़ दिया है, 1,29,00,000 मीट्रिक टन गेहूं। और वो भी सुनिए, ये छोटे किसान की हमारी बहन बात कर रही थी, कांग्रेस के राज में कभी छोटे किसानों का गेहूं नहीं खरीदा गया समर्थन मूल्य में, हमने कहा 1 हेक्टेयर वालों को पहले बुलाया SMS देकर, फिर 2 हेक्टेयर वालों को आया, और अभी 1,29,00,000 मीट्रिक टन गेहूं हमने खरीदा है, सबको हमने मूल्य है। पटेल साहब, मैंने आपसे कहा बोनस का उपद्रव, बैठी हुई सरकार ने 3 साल तक और राज्यों के किसानों को बोनस नहीं मिला, आप अपनी 2020 में गेहूं खाएंगे? सवाल आपका है कि 3 साल तक किसानों को मिलने वाले बोनस को आपने रोका, दावा था आपका किसानों की आय दुनी कर देंगे, जो मिल रहा था पर भी डंडी मारी, उसके कह रहे हैं कि विश्वास करना चाहिए किसानों को देश की सरकार पर, नरेंद्र मोदी पर, अविश्वास इसी कारण तो है, इस पर कोई जवाब है आपके पास? देखिए मोदी जी ने 1,00,00,000 रुपए का एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिया है, एग्रीकल्चर के विकास के लिए, हम कृषि उत्पादक समूह बना रहे हैं, किसानों को प्रशिक्षित कर, अभी देखिए अभी किसान मेहनत कर रहा है तो उसका चमार 4 रुपए किलो बिकता है और व्यापारी बीच में 30 रुपए के हमारा किसान करा, हमारा किसान उत्पादक समूह का हम उसको लाइसेंस देंगे, वो रख जाएगा, वो जो बिचौलिया रहते हैं वो अब किसान कमाएगा और किराया 2 गुना 3 गुना और 4 होगी, आप देखते तो जाइए, देखते जाइए ना है आपके प्रदेश मंत्री किसान के बेटे कमल पटेल का, आप जाइए क्यों परेशान है, आप भी बताइए कमल पटेल जी को, हमारे कहने से तो वो सब, हम पूछ रहे हैं बोनस क्यों नहीं दिया 3 साल तक ब्रजभाई, आप ही बताएं कक्का जी। देखिए देखिए भाषणों आंकड़ों से हकीकत की तह में आप नहीं पहुंच सकते, प्रधानमंत्री कह रहे हैं विरोधाभास है अग्रवाल साहब की बात में भी जी, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं ट्वीट किया उन्होंने जी समर्थन मूल्य किसान खरीदेंगे जी, अग्रवाल साहब कह रहे हैं कि समर्थन मूल्य नहीं सकते या तो प्रधान सही जी या अग्रवाल साहब सही जी, दूसरा विषय अब इतने ईमानदार किसानों के इतने शुभचिंतक है तो ये बदलाव की बार बार लड़ाई लड़ रहा हूँ बताऊ मैं आपके पास
पर सुनिश्चित करने का कानून क्यों नहीं जी? भाषण मत कीजिए, देखिए भाषणों से देश नहीं चलेगा, आंकड़ों से देश नहीं चलेगा जी, देश चलेगा कानून से। और किसान को यदि आपको सुविधा दिलाना है तो ये कानून में एक लाइन जोड़िए कि किसानों का माल एमएसपी से नीचे हम नहीं बिकने देंगे, ऐसा कानून बना के लाइए। एक लाख बांटा, दो लाख बांटा, और कंपनी चला है कमल पटेल जी ने बहुत अच्छी मित्र भी है, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि मक्का क्या भाव बिका है जी? मक्का समर्थन मूल्य पर पूरे प्रदेश में एक किलो नहीं बिका है जी। 1750 का मक्का 9 रुपया और 1000 रहा है। मक्के की खेती आदिवासी अंचल के किसान ज्यादा करते हैं, किसान मक्का खेती करने वाला आंदोलन चला, सत्याग्रह चला, मक्का नहीं बिका समर्थन मूल्य पर। उसके बाद मूंग का मामला, मूंग भी समर्थन मूल्य पर नहीं बिकी। चना जो बात है, चना आधा किसान जी। तो ये हुआ कई कारण है, मेरा उनसे निवेदन ये है कि आप तो हरी समर्थन मूल पर, हमको शंका है, विश्वास का संकट देश है, पूरे देश को विश्वास का संकट है। चुनाव जीतना ये अलग विषय है, क्यों जीत आप जानो, विधायक आपने कहा आप जाना विषय नहीं है। हमारा विषय केवल ये किसान के लिए गारंटी दी जाए कि उसका एम पर कैसे माल बिकेगा। प्राइवेट मंडियों में प्राइवेट व्यापारियों से लुटवाने का काम बंद कीजिए। बड़ी महत्वपूर्ण बात कक्का जी कह रहे हैं, किरण चौधरी जी, कक्का जी की बातों के संदर्भ में और ब्रजमोहन जी अग्रवाल की टिप्पणी के संदर्भ में आपकी प्रतिक्रिया दी है। ब्रजमोहन जी का कहना है एमएसपी पे खरीद होगी, लेकिन सारी जिंसों की खरीद संभव नहीं है, देश की आर्थिक स्थिति इसकी इजाजत नहीं देती, एक बात उन्होंने ये कही। और दूसरी बात जो कक्का जी कह रहे हैं कि इनके द्वारा जो कानून लाया गया है उसमें ये एमएसपी की गारंटी दे दे तो हमें उसके बाद कोई शंका नहीं रह जाएगी, दोनों पर आपकी टिप्पणी। शिव कुमार जी जो कह रहे हैं वो जानते हैं और बिल्कुल ही कहा कि एमएसपी की अगर गारंटी, इतनी कौन सी बड़ी बात हो गई है, आप एमएसपी की गारंटी आप दे दीजिए। आप ये कह दीजिए कि कॉर्पोरेट सेक्टर्स, आप बार बार कह रहे हैं खुला कर दिया है, खुले कहीं भी जाके बेच सकते हैं। अरे मैं पूछना चाहती हूँ, जो धरातल के ऊपर जो हालात है वो बिल्कुल अलग है। कौन सा किसान जो है जाके, अब आप ये बताइए जो दिल्ली का किसान है वो हरियाणा में जाके बेचेगा, उसको कितना उसका ट्रांसपोर्ट का वो होगा, चार्जेस लगेंगे, या हरियाणा का कहीं और या राजस्थान का कहीं और। तो ये तो सब बेकार में भाषणों की बातें हैं। सच्चाई ये है कि ये सरकार जो है बार बार इसलिए बनी है क्योंकि जुमले इतने बड़े बड़े। तो ये सरकार के समय तो उत्तर दे दिया है किरण चौधरी ने, जुमले आपके बहुत अच्छे रहते हैं कमल पटेल जी, इसलिए आपकी सरकार बन जाती है, बाकी नीतियों से नहीं बनी है, किरण चौधरी का है। पर कक्का जी जो बात कर रहे हैं जिसके संदर्भ में ब्रजमोहन अग्रवाल जी ने भी एक टिप्पणी की, आप कुछ कहना चाहेंगे? एमएसपी की गारंटी देने से किसानों का विश्वास आ सकता है क्या? भारत सरकार से अपने ही पुराने मित्र, आपके पुराने साथी नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि मंत्री भी थे, ग्रामीण विकास मंत्री भी थे, और 3 ऑर्डिनेंस लाकर दिए तो इसके पुरस्कार स्वरूप हरसिमरत कौर का छोड़ा हुआ विभाग भी उन्हें दे दिया, तो उनसे आग्रह नहीं कर सकते कि किसानों की जरूरत को पूरा करें? फिर मैं ब्रजमोहन जी के पास चलूंगा जी। कमल जी, हिमांशु जी, हम पहले किसान हैं बाद में मंत्री हैं जी, और इसलिए हमने किसानों के हित में हमारी सरकार ने निर्णय लिया है और समर्थन मूल्य घोषित इसलिए किया जाता है कि समर्थन मूल्य पर किसानों की उपज बिके जी, और उसके लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार, केंद्र सरकार भी खरीदती है समर्थन मूल्य पर, लेकिन ये पुरानी परंपरा है, 25% ही खरीदती है जी। ये बात सही है कि उसको और बढ़ाना चाहिए और उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। सरकार ज्यादा से ज्यादा समर्थन मूल्य अगर किसान को नहीं मिलता तो सरकार खरीदती है, अगर समर्थन मूल्य से ऊपर बिकता है तो सरकार को खरीदने की जरूरत नहीं है। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा आपको, और ये बैठे किसान नेता अगर मेरी बात, चंबल ग्वालियर संभाग में सबसे अधिक मध्य प्रदेश में सरसों होता है जी, और सरसों का समर्थन मूल्य था 4425 रुपया इसी साल, पिछले साल 19 में जी। कांग्रेस के कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, जैसे कि कक्का जी ने कहा कि फरवरी में खरीदना था, बिल्कुल सही है, लेकिन लेट किया, लेकिन हमने 13 क्विंटल से 20 क्विंटल किया, और एक दिन में जो सीमा थी कि 25 क्विंटल ही किसान बेच सकता है, तो भाई 25 क्विंटल क्यों बेच सकता है, उसके बाद 1000 क्विंटल तो 1000 क्विंटल क्यों नहीं। और मैंने भारत सरकार के कृषि मंत्री से बात की, ज्वाइंट सेक्रेटरी से बात की, और वो सीमा हटवाई
उसका परिणाम ये हुआ कि जब समर्थन मूल्य पर पूरा सरसों सरकार ने खरीदना शुरू किया तो उद्योगपतियों की और फैक्ट्रियां बंद हो गई, तो उनको मजबूरी में रेट बढ़ाने पड़े और जो 2500 से 3500 3800 बिक रहा था औसत 3200 वो हमने 4425 खरीदना शुरू किया, तो बाद में व्यापारियों ने बोली लगाई और 4500 से 5500 रुपए क्विंटल सरसों हमने बिकवाने में सफलता प्राप्त की है। ये है भारतीय जनता पार्टी पर की। कमल जी आपने बात कह दी, पर मक्का 1750 बिकनी थी वो 900 रुपए में बिकी, कक्का जी उसके संदर्भ में बोल रहे, उसमें मौन क्यों है कमल पटेल जी? हमारे मूंग जो खरीदी जानी थी आपने स्वयं एक कार्यक्रम में माना कि हम नहीं खरीद सकेंगे, इस संदर्भ में क्या करेंगे? बात है किसानों का, अगर वास्तव में दुख कम करना है, दर्द उनका खत्म करना है, तकलीफ उनकी खत्म करनी है, तो ये गारंटी सरकार को देनी ही होगी। जो मेहनत से, जो पसीना बहाकर वो खेत में उपजा, उसपे एक न्यूनतम कीमत में खरीदने की गारंटी देश की सरकार देगी। अगर मोदी जी जो वादा कर रहे हैं, जो केंद्र में बैठी हुई सरकार किसानों की हिमायती होने की बात कहती है, वो किसानों के संदर्भ में ये जायज फैसला लेने के संदर्भ में कमजोर क्यों हो रही है? इस पर टिप्पणी से भी चाहिए और ब्रजभवन जी से भी। पहले आप बोले फिर मैं सीधे ब्रजभवन जी करूंगा। समर्थन मूल्य इसलिए घोषित करेंगे, समर्थन मूल्य पर फसल बिके या उससे ऊपर बिके जी, और इसलिए ये सरकार का कर्तव्य भी है, दायित्व भी है, और वो हम निभा रहे हैं। और हमारा प्रयास है कि किसान की फसल कोई भी जिन समर्थन मूल्य पर नीचे नहीं बिके, अगर वो एफएक्यू में है तो उससे ऊपर ही बिके। उसके लिए भारत सरकार ने, प्रदेश सरकारों ने, हमारी सरकारों ने प्रयास किया है और उसमें हमें बल दी है। कुछ कोविड के कारण मगर जो मुर्गी और इनके लिए खरीदार नहीं मिले, सरकार खरीदना था लेकिन हमारे गोडाउन भरे हुए थे गेहूं से, हमारे गोडाउन भरे थे चने से, और इसलिए हम मूंग और मक्का को समर्थन मूल्य पर खरीदने, ये हमें दुख है, इस बात का दुख है। कमल पटेल जी को चलता हूँ मैं, किरण जी कुछ कहना चाहिए जी। श्रीमान जी, अब मैं मंत्री मध्य प्रदेश के बारे में बता रहे हैं, तो मैं इनको बताना चाहूँ, बीजेपी की सरकार हरियाणा के है और सरसों की के ऊपर भी इन्होंने वही जिस चीज कर रहे हैं कि वहां ये हो रहा है वो यहीं पर लागू करा हुआ है। 24 क्विंटल जो है सरसों के ऊपर इन्होंने लगा रखा है। फिर जो है भवन करना हमारी बीजेपी शुरू करी कि यहाँ पे टमाटर ये सारी छोटी सब्जियां हैं उनकी नुकसान जो है उनकी भरपाई की तो पूरी तरह से जीरो जो है साबित है। तो ये क्या बात कर रहे हैं आप? वहां पे कोई और बात है, यहाँ पे कहीं और बात है। तो बात ये है कि किसानों को पूरी तरह से होमलेस तरीके से पूरे देश के अंदर जो है उनको फायदा हो, ये काम होना चाहिए। किसानों का पूरे देश में लाभ हो ये काम होना चाहिए। ब्रजभवन जी के पास वापस चलता हूँ। ब्रजभवन जी, समाज शिव कुमार शर्मा जी कक्का जा रहे हैं वही है, किसान चाहिए की न्यूनतम राशि कीमत सरकार सुनिश्चित कराएगी। सरकार इस पर प्रयास करने के स्तर पर दाएं बाएं होते हुए उद्योगपतियों के हवाले, व्यापारियों के हवाले कर रही है, आपके अंदर नहीं आ रही है। देखिए हिमांशु जी, आप गलत बयान दे रहे हैं, आप और शिव कुमार जी भी पूरी परिस्थितियों को सामने नहीं रख रहे हैं जी। आज की परिस्थितियों में किसानों का लागत कम हो और लागत कम करने के लिए केंद्र की सरकार ने लगातार प्रयास किए हैं। ड्रिप इरिगेशन 50% सब्सिडी देने की बात, नेट हाउस में सब्सिडी देने की, बीज की सस्ते उपलब्ध बात की, बीमे की राशि लोगों में नहीं इसकी बात थी, उनके लागत मूल्य कम हो और उनका उत्पादन ज्यादा हो, इसकी तरफ हमको ध्यान देने की जरूरत है। जो असंभव है आप भी जानते हैं, शिव कुमार जी भी जानते हैं, किरण जी भी जानती है, सभी को क्या कोई पार्टी गारंटी का सभी को सफल खरीदेंगे? पूरे देश का ठम डाल देंगे तो भी नहीं खरीद सकते। और जब विश्व के स्तर पर मार्किंग हो रही है तो आज हमारा यह होना चाहिए कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा आय कैसे हो सकती है, किसानों को ज्यादा से ज्यादा पैसा कैसे मिल सकता है। इसलिए पूरे देश में कहीं पर गेहूं ज्यादा होता है, कहीं पर चावल ज्यादा पैदा होता है, कहीं पर गन्ना पैदा होता है, कहीं पर कपास पैदा होती है। तो ऐसी जगह किसान जिसको पैदा करते हैं उसको सरकारें खरीद नहीं, परंतु वास्तविकता नहीं है तो हो नहीं सकता। आप भी बार बार उसी इश्यू को उठा रहे हैं, किरण भी उठा रही है, शिव कुमार जी भी उठा रहे हैं, जो संभव नहीं है उसके बारे में बात क्यों करते हैं? जो बात इसलिए करते हैं ब्रजमोहन जी, आपने बात बिल्कुल जायज कही कि हम ये बात क्यों उठा रहे हैं। ये बात इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि आपकी पार्टी, आपकी सरकार ने रोजन देश को दिया कि हम इस देश के किसान की आय 2022 तक दुगना करेंगे। आपके देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी ने बाकायदा
का कि जितनी भी लागत आती है किसानी के उत्पादन के अंतर्गत उसका डेढ़ गुना मजदूरी सहित उसका डेढ़ गुना किसानों को मिलना सुनिश्चित कराएंगे। ये बात हिमांशु द्विवेदी ने नहीं कही थी, ये बात किरण ने कही थी, ये बात शिव कुमार जी ने नहीं कही थी, ये भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी ने की थी। आप उनकी बात पर करते हैं पर अपने देश के प्रधानमंत्री पर मेरा भरोसा है, इसलिए मैं केवल स्मरण करा रहा हूं। उन्होंने कहा था कि लागत का डेढ़ गुना किसान को मिलेगा। अगर आज उसको लेकर हम सवाल पूछे तो अलग हो रहे। लागत डेढ़ गुना मिल रहा है जी, नहीं हो रहा है, लागत ज्यादा मिल रहा है। आपको नहीं हो करने वाली जो है कमेटी ने उत्पादन मूल्य तय किया है और केंद्र की सरकार ने क्या तय किया है। श्री कुमार शर्मा जी मेरे साथ में, श्री कुमार जी आप हामी भरते हैं कि इस समय देश के किसानों को उनकी लागत का डेढ़ गुना मिल रहा है। प्रदेश के सम्माननीय वरिष्ठतम नेताओं में शुमार ब्रजमोहन अग्रवाल जी का दावा है कि अब देश के किसानों को उनकी लागत का डेढ़ गुना मिलने लगा है। आपकी टिप्पणी देखिए जी, 4400 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं की लागत आती है हमारी जी, 1935 मिल रहा है जी। कहते हैं खेती की लागत हम कम कर रहे हैं, डीजल कितना आसमान में पहुंचाया आपके कार्यकाल में जी। खाद पर जीएसटी कौन ने लगाया, 80 रुपया यूरिया की बोरी पर टैक्स लगता है। ट्रैक्टर पर हजार आपने बढ़वाए, रजिस्ट्रेशन में आप बढ़वाया, कीटनाशक पर टैक्स लगवाया, तमाम चीजों पर आपने लागत बढ़ाई है। कृषि यंत्रों पर लागत बढ़ी है, तमाम चीजों पर लागत बढ़ी है, वो कह रहे हैं हम लागत कम कर रहे हैं। ये हास्यप्रद विषय है। और जितने जीन्स 18 जीन्स हैं जो समर्थन मूल्य पर हमेशा लिए जाते रहे हैं, उन 18 जीन्स को सरकार पहले की लेती रही है, बाद की भी लेती रही है, तब सरकार का बजट नहीं गया। ये कौन सा अर्थशास्त्र होता है इनका? ये अंडाता है देश का, जिसके कारण आप टिके हैं, पूरा देश चल रहा है लॉकडाउन, केवल किसान काम कर रहा है। तो ये किसान के मन को कम मत समझे, 80% रोजगार देने केवल कृषि क्षेत्र है। किसान का एक बेटा सीमा शहीद हो रहा है, दूसरा बेटा खेत में हल चला रहा है, और उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि हम डेढ़ गुना लाभकारी मूल्य दे रहे हैं। कौन सा भाग दे रहे हैं? अगर डेढ़ गुना लाभकारी मूल्य दे रहे हैं तो देश में एक भी आंदोलन किसान नहीं करेंगे, मैं इसकी गारंटी लेता हूं। तो अपनी बात को हम इसमें विराम करते हैं कि अगर वाकई किसानों मिलने लगे तो किसान सड़क पर उतरना छोड़ के वापस केवल और केवल अपने खेतों पर ही केंद्र रह जाए। जो तीन कानून के संदर्भ में हो सकता है सरकार की नीयत ठीक हो सकता है सरकार की नीति ठीक हो, लेकिन किसानों के बीच में जो भ्रम की स्थिति है, जो भ्रांति है, जो असमस है, उसे दूर किए जाने की जरूरत है। किसान की शंकाओं का समाधान किए बगैर अगर कानून की शक्ल लेता है तो निश्चित रूप से सवाल बाजार में बना रहेगा, सवाल हवा में बना रहेगा, जिसके उत्तर की अपेक्षा समाज करता रहेगा। आप तो मेहमानों का धन्यवाद। देश से जुड़े अहम चर्चा बनने के लिए समय है आज के शेर। हमारा आज का शेर ये बोलता है कि जब जेब में पैसे बसते हैं जब पेट में रोटी होती है, कि जब जेब में पैसे बसते हैं जब पेट में रोटी होती है, उस वक्त यह जर्रा हीरा है, उस वक्त यह शबनम मोती है। जजवी जी ने जो ये लिखा था ये किसानों के संदर्भ में एक सपना था। ये किसान सड़क पर उतरने के लिए नहीं है, ये किसान आंदोलन करने के लिए नहीं है, ये किसान आत्या करने के लिए नहीं है, लेकिन दुनिया को रोटी देने वाले के हाथ चलने के बाद, पसीना बहाने के बाद, जब वो उसका अपना पेट ही रोटी के लिए मोहताज हो जाता है तो निश्चित रूप से उसे अपनी आवाज को बुलंद करना पड़ता है। देश की सरकार किसानों की आवाज को सुनेगी और उनकी शंकाओं का समाधान करेगी, जैसा कि देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम भ्रांतियों को दूर करेंगे। उम्मीद करते हैं कि सरकार जो कह रही है उसे कर भी पाएगी। आज के लिए इतना ही, कल फिर नए विषय के साथ सादर प्रणाम।